गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त रमन चार। आज हम विद्युत विभव के न्यूमेरिकल करेंगे, लेसन नंबर 3 के। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है। तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए हमें, यानी V2 - V1 ज्ञात। दो बिंदु दे रखे हैं, उनके मध्य क्यू का मान है 3 कूलाम, और कार्य कितना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितना कार्य ले जाना करना पड़ता है, 6 जूल। तो हमें क्या याद करना है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, V=W/Q। तो W की वैल्यू दे रखी है 6 जूल, Q की वैल्यू दे रखी है 3 कूलाम। तो यहाँ पर कितना वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट, यानी इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ, 2 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, यानी दो बिंदु दे रखे हैं जिन पर विभव 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तब 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर बिंदु ए से बिंदु बी में ले जाने में कितना कार्य, यानी दो आवेश है, यानी VP - VA = W/Q, यानी यह फॉर्मूला होता है। तो W बराबर हमें ज्ञात क्या करना है, कार्य करना पड़ेगा, यानी कितना कार्य करना पड़ेगा। तो W = क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, W = Q (VB - VA), क्यों की वैल्यू दे रही है कितनी, 8 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 8 × 10⁻⁶। VB की वैल्यू दे रखी है 4, और VA की वैल्यू दे रखी है 2 वोल्ट। तो 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 16 × 10⁻⁶ जूल। ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल हो गया। थर्ड न्यूमेरिकल हमारा, √2 मीटर भुजा वाले वर्ग के कोनों पर 100 µC - 50 µC, 20 µC - 60 µC के 4 आवेश क्रमशः रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव। तो यह हमारा डायग्राम है, इसमें क्या दे रखा है, 100 एक वर्ग है जिसके इस केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, जिसमें 100 µC - 50 µC - 60 µC और 20 µC इन पर आवेश उपस्थित है, तथा इन वर्ग की भुजा कितनी है, √2 मीटर। यह भी √2 मीटर, यह भी √2 मीटर। तो इस विकिरण की लंबाई कितनी होगी, पाइथागोरस प्रमेय से √2² + √2² का रूट, तो √2² 2 + 2 = 4, 4 का रूट कितना होगा, 2। और यहाँ से लेकर AO की लंबाई कितनी होगी, यानी 2 की आधी, 2 की आधी कितनी होगी, 1, यानी AO की लंबाई बराबर BO की लंबाई बराबर CO की लंबाई बराबर DO की लंबाई कितनी होगी, 1 मीटर हमें प्राप्त हो गई। हमें ज्ञात क्या करना है कि इन चारों बिंदुओं के कारण वर्ग के इस केंद्र पर विभव कितना है, यानी इस विभव यहाँ पर विभव हमें ज्ञात करना है। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V = KQ/R। तो बिंदु A के कारण केंद्र पर विभव VA, VA = क्या होगा, A पर आवेश कितना है, 100 µC। तो कूलाम को 100 µC को कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 100 × 10⁻⁶ कूलाम। तो और V का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, K × Q की वैल्यू है 100 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू क्या है, 1 मीटर, यानी इस बिंदु के कारण यहाँ पर हमें विभव ज्ञात करना है, जिसकी बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, इसकी भी 1 मीटर, इसकी भी 1 मीटर और इसकी भी 1 मीटर, जो हमने ऊपर पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात की है। तो ये हो गया। और बिंदु बी के कारण केंद्र पर विभव कितना होगा, तो बिंदु बी पर आवेश कितना है, -5 µC, -5 50 µC है, तो 50 µC को कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁶ माइनस का 50 / 1, यानी दूर आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। तो बिंदु सी के कारण केंद्र पर विभव कितना होगा, VC = K × C पर आवेश कितना है, 20 µC, तो 20 × 10⁻⁶। डी पर इसी प्रकार डी पर आवेश कितना है, -60 µC, तो -60 × 10⁻⁶। इन सभी को जोड़ देंगे, यानी टोटल विभव कितना होगा, टोटल विभव VA = VA + VB + VC + VD, यानी इन सभी को जोड़ देंगे। तो K तो इन सभी में कॉमन आ गया, 9 × 10⁻⁹, यानी और बंद आवेश
100 गुना 10 की पावर माइनस 6 माइनस 50 गुना 10 की पावर माइनस 6 प्लस 20 गुना 10 की पावर माइनस 6 माइनस 60 गुना 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 सभी में से कॉमन ले लेंगे 12 आ गया। तो 100 माइनस 50 प्लस 20 माइनस 60 इसको सरल करेंगे तो कितनी आएगी 9 इंटू 10 की पावर यानी इन सभी को सरल करेंगे तो 10 आ जाएंगे। तो 10 10 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 1 कितने हो जाएंगे 10 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 6 तो 10 में से 6 गए कितने बचे 4 यानी विभव कितना प्राप्त हुआ हमें वर्ग के केंद्र पर 9 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट ये हो गया हमारा। हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल क्या है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम माइनस तथा माइनस 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलम के आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर कितनी दूरी पर ना 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा यानी हमें किस वह बिंदु ज्ञात करना है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर वह बिंदु ज्ञात करना है जिस पर विभव का मान कितना हो शून्य हो यानी हमने सपोज कर लिया यह है कोई बिंदु पी है यह तो ए बिंदु पर आवेश है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 8 बिंदु बी बिंदु पर आवेश है माइनस 2 गुणा 10 की पावर माइनस हमने इस पूरी की लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर तो इसके बीच में हमने कोई कहीं पर भी एक बिंदु P मान लिया जिसकी बिंदु A से दूरी कितनी मान ली X तो यह टोटल कितनी AB की टोटल दे रखी है 15 सेंटीमीटर तो यह X मानी है तो यह कितनी होगी 15 माइनस X तो सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करें मीटर में तो 15 गुणा 10 के पावर माइनस 2 माइनस एक्स यानी दूरी किस में निकालनी है हमें मीटर में निकालनी है तो दे क्या रखा है कि इन दोनों बिंदु पर विभव का मान कितना हो शून्य यानी वी ए प्लस वी बी इक्वल टू क्या हो जीरो हो तो बिंदु ए के कारण विभव प्लस बिंदु बी के कारण विभव इक्वल टू जीरो इस बिंदु पी पर ज्ञात करेंगे हम विभव बिंदु ए के कारण बिंदु पी पर विभव बिंदु बी के कारण बिंदु पी पर विभव और इन सभी का क्या आना चाहिए शून्य आने चाहिए। तो वी का फॉर्मूला क्या होता है वी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर के की वैल्यू दे रखे क्यू की वैल्यू दे रखे 3 गुणा 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स यानी दूरी कितनी मान सपोज की थी हमने एक्स बिंदु पी पर पी और ए की दूरी कितनी है एक्स ये हो गया और बी पर क्या होगा के क्यू अपॉन आर के क्यू की वैल्यू दे रखी है माइनस 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर तो के गुणा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई ये कितनी थी 15 गुणा 10 की पावर माइनस 2 माइनस एक्स तो 0.15 माइनस एक्स इक्वल टू 0 ये कैसे के कैंसिल हो गया के कॉमन लेंगे के से के कैंसिल हो गया 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 8 यानी ये इधर चला जाएगा तो 3 बाई एक्स ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पर इक्वल में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 बटे 0.15 माइनस एक्स ये भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 0.15 माइनस एक्स इक्वल टू 2x तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं यानी 0.45 माइनस का 3x इक्वल टू 2x तो ये माइनस का 3x इधर जाएगा प्लस का 3x यानी 5x इक्वल टू 0.45 तो x की वैल्यू क्या होगी 0.45 डिवाइडेड बाई 5 यानी 0.09 मीटर हमें क्या ज्ञात करनी थी ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9 सेंटीमीटर यानी क्या जाएगी x की वैल्यू क्या आ गई हमें 9 सेंटीमीटर यानी बिंदु ए से वह बिंदु ज्ञात करना है जहां पर विभव क्या हो शून्य हो तो बिंदु ए से तो x 9 सेंटीमीटर दूरी पर है और टोटल कितनी है 15 है तो 9 और बिंदु बी से 6 सेंटीमीटर दूरी पर यह बिंदु बी स्थित है यह हो गया हमारा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है इसके कोनों पर क्रम से माइनस 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम माइनस 4 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम आवेश रखे हैं वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना सेम टू सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट में आया था उसको सरल किया था सेम टू सेम वैसा ही यानी एक वर्ग सपोज कर लिया जिसकी बिंदु ए बी सी डी है बिंदु ए पर माइनस 2 माइक्रोकूलम बिंदु बी पर 3 माइक्रोकूलम बिंदु सी पर माइनस 4 माइक्रोकूलम बिंदु डी पर प्लस का 5 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है तथा वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है 0.9 मीटर तो इस बिंदु से AO की लंबाई हमें ज्ञात करनी है AO की BO की और CO की और DO की यानी AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू DO की कैसे ज्ञात करनी है पाइथागोरस प्रमेय से यानी इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर और इसका रूट डिवाइडेड बाई 2 यानी इसका कि 0.9
9 डिवाइडेड बाय रूट 2 मीटर, यानी AO की लंबाई कितनी आ गई, AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO बराबर कितनी आ गई, 0.9 बटे रूट 2 मीटर, ये होगी। अब हम बिंदु A के कारण विभव ज्ञात करेंगे, बिंदु O पर, बिंदु B के कारण यहाँ पर ज्ञात करेंगे, बिंदु C के कारण यहाँ पर ज्ञात करेंगे, बिंदु D के कारण वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात करेंगे, और बाद में इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बिंदु A के कारण विभव कितना हुआ, VA इक्वल टू, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू है बिंदु A पर 2 माइक्रो कूलम, माइनस 2 माइक्रो कूलम, तो माइनस 2 इंटू 10 की पावर 6 कूलम, यानी माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर 6 से गुणा करते हैं, और डिवाइडेड बाई R, R की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 0.9 बटे रूट 2, यानी 0.9 बटे रूट 2 ये होगी। बिंदु B के कारण क्या होगी, 9 KQ अपॉन R, तो K क्यों की वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर माइनस है, यानी प्लस 3 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय आर, आर की वैल्यू 0.9 बटे रूट 2। इसी प्रकार बिंदु सी के कारण केंद्र पर विभव ज्ञात करेंगे तो माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो बिंदु डी के कारण ज्ञात करेंगे तो के क्यू अपॉन आर सेम टू सेम रूट 2, ये हो गया। इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी V इक्वल टू वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी, यहाँ पर K कॉमन ले लिया, V इक्वल टू K, यानी 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉमन ले ली, तो माइनस 2 इंटू 10 की पावर 6 0.9 बटे रूट 2, बट डिवाइड वाला रूट 2 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इन सभी के मल्टीप्लाई में चला गया, तो माइनस प्लस माइनस प्लस ये हो गया। इब 9 इंटू 10 की पावर 9, इब 10 की पावर 6, 10 की पावर माइनस 6 रूट 2 बटे 0.9 को हम कॉमन ले लें, क्योंकि इस चारों के अंदर 10 की पावर माइनस 6 रूट 2 बटे 0.9, 10 की पावर माइनस 6 रूट 2 बटे 0.9 को यहाँ पर बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, माइनस 2 माइनस 2, यहाँ पर क्या बचा, प्लस 3 प्लस 3, यहाँ पर क्या बचा, माइनस 4 माइनस 4, यहाँ पर प्लस 5, यहाँ पर प्लस 5, जब इसको सरल करेंगे तो कितने आएंगे, 5 3 8, 8 में से 6 गए कितने बचे, 2 बच गए, यहाँ पर 2 आ गया, 2 को रूट 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 रूट 2, तो 0 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो V इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 गए तो 9 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2 रूट 2 बटे 0.9, जब इसको सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू 2 रूट 2 इंटू 10 की पावर 4 ये वोल्ट, ये हमारा यानी वर्ग के केंद्र पर विभव आ गया। इब नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यानी 10 सेंटीमीटर भुजा के सम षटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलम आवेश स्थित है, सम षटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात करें, सम षटभुज की भुजा कितनी होती है, यानी 6 भुजा होती है और जिसकी सभी भुजाएं क्या है, समान है, तो इसके कारण वर्ग के केंद्र पर विभव और आवेश कितना स्थित है, सभी भुजाओं सभी कोणों पर कितना आवेश स्थित है, 5 माइक्रो कूलम, तो 6 भुजा है तो इसके कोने कितने हैं, 6 हैं, तो 6 कोनों के कारण जो एक कोने के कारण आएगा वही 6 कोने के कारण आएगा, तो एक कोने के एक शीर्ष के से ज्ञात करेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सम षटभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं और 6 ही कोने होते हैं, कितने कोने होते हैं, 6 कोने होते हैं, तो R बराबर कितनी दे रखे, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर, आवेश दे रखा है 5 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ये विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू KQ अपॉन R, ये हो गया। तो हम किसके कारण ज्ञात करें, सम षटभुज के केंद्र पर ज्ञात करें, तो सम षटभुज के कोने कितने होते हैं, 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और V का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R, तो 6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6, क्यों की वैल्यू कितनी होती है, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 क्वेश्चन में दे रखी है, ये रही, तो V की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 2.7 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट, ये हमें V की वैल्यू प्राप्त हो गई, यानी सम षटभुज के कोनों के कारण वर्ग के केंद्र पर विभव प्राप्त हो गया 2.7 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, एक विद्युत द्विध्रुव के आवेशों माइनस 1 माइक्रो कूलम प्लस 1 माइक्रो कूलम के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 14 मीटर, द्विध्रुव के केंद्र से 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मीटर की दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, यानी एक डायपोल है और उसके कारण क्या ज्ञात करना है, यानी द्विध्रुव के कारण हमें विभव ज्ञात करना है,
तो क्यू की वैल्यू देख रखी है, 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम वो कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻⁶ कूलम, और 2a यानी बीच की दूरी कितनी दे रखी है इन दोनों आवेशों की, तो दूरी के बीच की दूरी 4 × 10⁻¹। तो p p क्या होता है, p p का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू 2a क्यू वेक्टर, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10⁻⁶ इंटू 4 × 10⁻¹, तो 4 × 10⁻²⁰ कूलम इंटू मीटर, यह हमारा पी हो गया। तो आर क्या दे रखे, 2 × 10⁻⁶ मीटर दे रखे। थीटा कितनी है, 0। थीटा कैसे निकली, अक्षीय बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है, यानी द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, द्विध्रुव के कारण केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जो हमने यह फॉर्मूला निकाला था, v इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, p की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 4 × 10⁻², और कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि हमें अक्षीय रेखा पर क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो अक्षीय रेखा पर ज्ञात करेंगे तो कितने आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू दे रही है 2 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो v इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 4 × 10⁻², कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, और 2 × 10⁻⁶ का स्क्वायर कितना होता है, 4 × 10⁻½, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये −12 से यानी कैंसिल हो गया, तो कितने बचे, 8 बच गए, यानी 9 से 8 गए कितने बचे, 1 बचे, यानी 9 × 10⁻¹, यानी 9 × 10⁻¹ कितनी होती है, 90, यानी वी की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हुई, 90 वोल्ट। ये क्या हो गया, द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विभव हमें कितनी प्राप्त हुई, 90 वोल्ट। ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, सी यू टुमारो।